अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज जो है मैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि फिर रमज़ान लग जाएंगे। शॉपिंग जो है मैं सरोजनी नगर जा रही हूँ करने के लिए, दिल्ली में, जो कि गाज़ियाबाद से बहुत दूर पड़ता है। मेट्रो से जाएंगे हम। खुशी बुशरा और मेरे साथ फबी जा रही हैं। हस्बैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस की क्लोजिंग टाइम चल रहा है, तो उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फिलहाल हम चारों जा रहे हैं। आयत इनाया को मैं यहीं छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगी। ये दोनों ये रही, ठीक है बेटा? ठीक है, हम जा रहे हैं, ठीक है ना? हमारे बड़े पापा के साथ रह लेंगे। हाँ, तो ये बच्चे जो हैं अपने दादू के पास ही रहेंगे। तो फिलहाल जा रहे हैं हम, और देखती हूँ वहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों के लिए, क्योंकि तो फर्स्ट टाइम ही हम जा रहे हैं सरोजनी नगर। वहाँ से देखती हूँ कुछ शॉपिंग हो जाती है बच्चों की, तो फिर थोड़े रमज़ान में थोड़ा सुकून मिल जाएगा, वरना फिर रमज़ान में भागना पड़ता है। तो चलो फिर चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पर क्या मिलता है। तो अभी जो है हम ई रिक्शा से जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन तक। पास में ही है मेट्रो स्टेशन। जब भी मैं दिल्ली जाती हूँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो हस्बैंड जो है वो साथ ही रहते हैं, लेकिन इस बार उनके ऑफिस का क्लोजिंग वर्क बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं आ सके, और हमें अभी जरूर आना है। बाद में हम डिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि रमजान स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम जो है चारों जा रहे हैं, और हमें दो मेट्रो चेंज करनी पड़ेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए थे दिल्ली हार्ट, और यहाँ पर एक फॉरनर थी जो हमसे पूछ रही थी कि दिल्ली हाट कहाँ पर है, और जहाँ दिल्ली हाट पर हम खड़े हुए थे ये वहीं पूछ रही थी। फिर हमने बताया इनको, देखो वहां पर भी लिखा हुआ है, तब ये समझी कि अच्छा यही दिल्ली हाट है। और यहाँ से हमने दोबारा ऑटो किया था सरोजनी मार्केट जाने के लिए, और रास्ते में ये बीचों बीच एक खूबसूरत सा बहुत बड़ा पार्क बना हुआ था, और बुशरा का तो दिल यहीं पर ही करने लगा कि मम्मा यहीं बैठ जाते हैं, शॉपिंग बाद में करेंगे, लेकिन पहले शॉपिंग जरूरी थी, ये काम बाद के थे, और वैसे भी टाइम बिल्कुल नहीं था। तो फाइनली सरोजनी मार्केट हम पहुंच गए थे। पूरा 1.25 घंटा लग गया था हमें मेट्रो और ऑटो वगैरह का सफर करने के बाद। और यहाँ पर जाते ही सबसे पहले हमने गोलगप्पे खाए थे, इसके बिना तो शॉपिंग हो या घूमना हो सब कुछ अधूरा रहता है। उसके बाद जो शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी, और बुशरा यहाँ से अपने कोट सेट देख रही थी क्योंकि उसे बहुत जरूरी थे, उसके पास थे भी नहीं, गर्मी भी आने वाली थी, तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और यहाँ से बुशरा ने दो कोट सेट लिए थे। फैब्रिक जो था कोट सेट का बहुत अच्छा था, समर्स के लिए हम बहुत ज्यादा सुटेबल थे, तो मैंने उसके लिए फिर ये दो कोट सेट दिला दिए थे। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए जीन्स देख रही थी, मेरे पास नैरो फिटिंग में काफी सारी हैं, लेकिन अब जो है मुझे थोड़ी सी लूज में चाहिए थी, तो ये जो थी ये स्ट्रेट फिटिंग में थी, और ये मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लग रही थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल भी, और ऊपर से जो था लोअर स्टाइल में था तो बहुत ज्यादा देखने में कंफर्टेबल भी लग रही थी, स्ट्रेट थी लूज थी तो काफी ज्यादा मुझे कंफर्टेबल लग रही थी। तो फिर मैंने इसको ले लिया था, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ इसको। वाला सही लग रहा मुझे तो, है ना? बोलो यहाँ से जो है काफी सारी जीन्स वगैरह ली थी हमने, और इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी में थी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी थी, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो फिर हमने यहीं से ली थी, इनके पास सारी जीन्स बेल बॉटम स्ट्रेट सारी वैरायटी थी। इसके बाद जी फिर मैंने अपने लिए कुछ टॉप वगैरह ली थी, और भी बहुत सारा सामान लिया था, लेकिन कुछ भी सामान ऐसा नहीं था जिससे कि बच्चे कुछ भी ईद पे पहन सकें, ईद की ड्रेसेस अलग ही होती हैं। तो फिलहाल हमने 2-2.5 घंटे के अंदर सारी मार्केट अच्छे से घूम ली थी, और हमें कुछ ज्यादा कोई खास ईद के लिए पसंद नहीं आया था, लेकिन हाँ हमने काफी सारी शॉपिंग यहाँ से की थी जो कि बहुत ज्यादा हमें पसंद आई थी। बट जिस मकसद से हम गए थे वो मकसद हमारा पूरा अभी तक हो नहीं पाया था, तो अभी काफी टाइम बचा हुआ था, और अभी 3 ही बजे थे। फिर हमने सोचा चलो सीलमपुर उतर जाएंगे, वहां से थोड़ा सा कुछ देख लेंगे अगर मिल जाता है तो ईद के लिए। शॉपिंग हमने कर लिया, अभी फिलहाल हम सीरमपुर आ गए हैं। कितने
अभी तो सर के दर्द से बुरा हाल है, शॉपिंग में खाना खाएंगे, उसके बाद में सिलमपुर से शॉपिंग करेंगे जो भी करते हैं। सीलमपुर में आने के बाद सबसे पहले हमने खाना खाया था, भूख लग रही थी काफी ज्यादा सबको हमें। फिर उसके बाद हमने मार्केट में देखा था कुछ सामान और यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ थी। और यहाँ से मैंने सबसे पहले एक अपने लिए चादर ली थी मार्केट वगैरह जाने के लिए। तो अभी मेरे पास जो चादर है वो काफी पुरानी भी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आए हो तो यहाँ से एक चादर भी ले लेती हूँ। अच्छा, ईद की सारी शॉपिंग तो नहीं हो पाई क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो बस जो समझ में आया है वो ले लिया है। इसके बाद जो है हम घर पर आ गए थे और अचानक फिर ये हैदर भाई आ गए थे मुरादनगर से। तो खाना जो है वो हमने रेडीमेड मंगा लिया था क्योंकि थक बहुत ज्यादा रहे थे। अच्छा, खाना खाने के बाद जो है फिर हम मदन स्वीट्स पर आ गए थे रेस्टोरेंट पर आइसक्रीम खाने के लिए। और ये आइसक्रीम की जो ट्रीट थी ये हैदर भाई ने ही दी थी हम सबको, तो ये सबको ले गए थे। खाना तो हम सभी घर से ही खा कर गए थे तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी किसी और चीज के लिए, तो बस आइसक्रीम ही ली थी हम सब ने, बस आइसक्रीम ही खाई थी। हालांकि हम ये घर पर भी मंगा कर खा सकते थे, डब्बे वाली आइसक्रीम थी, लेकिन उनका दिल चाह रहा था कि नहीं वहीं जाकर खाएंगे, तो फिर हम सब आ गए थे साथ। और जब कोई आ जाता है तो खुशी का सा माहौल हो जाता है और सारी थकान जो है अभी हमारी दूर हो गई थी। उसके बाद हम सब ने रेस्टोरेंट के बाहर फोटो वगैरह खिंचवाए थे। और हैदर भाई का जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये जो है ये हमारी फूफिया सास के बेटे हैं और इनसे हमारा काफी अच्छा रिलेशन है, बिल्कुल फ्रेंड्स वाला। तो आए दिन हम मिलते रहते हैं एक दूसरे से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम सब जगह शॉपिंग करने के लिए गए थे और जितनी हमने शॉपिंग करी वो सब देरी, और जिस मकसद से हम शॉपिंग करने के लिए गए थे वो मकसद तो था ही नहीं। एक्चुअली हम जो शॉपिंग कर आए हैं वो डेली पर्पज के हिसाब से शॉपिंग हुई, ईद की तो शॉपिंग हुई नहीं। ईद के ही शॉपिंग करने गए थे लेकिन ईद की नहीं हुई है, ये फिजूल होगी क्योंकि वहाँ पे ईद के मतलब का कुछ था भी नहीं। के हिसाब से तो जाते लड़कियों के कपड़े थे वहाँ पे, कॉलेज गोइंग या ऑफिस गोइंग गर्ल्स के कपड़े थे जितने भी थे उनके हिसाब से कपड़े हाँ। थे, पर जो हम अच्छे लगे वो हमने खरीदने बाद दिए, उन पर दर्शा गया। ईद की कोई शॉपिंग नहीं हुई है, कुछ भी ईद की शॉपिंग नहीं हुई है, जो भी हुई चाहिए सारी फिजूल की शॉपिंग हो गई है। सोचा था फिर भी कपड़े वहाँ पे क्वालिटी अच्छी थी, कपड़े अच्छे थे तभी तो इतने सारे ले आए ना बिना। फिलहाल अभी बुशरा दिखाएगी खोल खोल के आपको। बुशरा जल्दी स्टार्ट करो फटाफट, क्योंकि फिलहाल बुशरा खोल खोल के दिखाएगी सबको, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। दिखा दो, तो ये है इनाया की फ्रॉक ना, ये इनाया की फ्रॉक थी, हमने इनाया की फ्रॉक ली थी, बहुत प्यारी लग रही है, देखो ये दिखा, ये इसके बेल्ट है और ये इसका ये प्रिंट अच्छा लग रहा है, प्रिंट बड़ा प्यारा है और बहुत है ना समर सीजन के लिए बहुत एकदम परफेक्ट है, बढ़िया लग रहा है। ईद के अगले दिन तो पहन सकती है ना, ईद वगैरह को पहन लेंगे है ना। ये है आयत की फ्रॉक, रियायत की है, सेम ही लिया हमने, डिजाइन सेम है बस कलर प्रिंट अलग है, अच्छा लग रहा है और सेम है बस प्रिंट अलग है आयत की फ्रॉक का। तो हमने दोनों की सेम ले ली थी, बस थोड़ा सा प्रिंट और थोड़ा सा कलर चेंज है, बाकी सेम है, बेल्ट डली हुई है। ये ईद के अगले दिन पहन लेंगी दोनों, अभी ईद की शॉपिंग कुछ नहीं है। हाँ चलो जल्दी दिखाओ, ये क्या है, हाँ ये फैब्रिक, हाँ ये फैब्रिक का टॉप है, फैब्रिक ने लिया था ये वाला टॉप, व्हाइट कलर का है, जीन्स के ऊपर अच्छा लगेगा ये, है ना, ब्लू जीन्स। हाँ। ये लाए हैं मम्मा अपने लिए, डेनिम का कुर्ता लाए हैं मम्मा अपने लिए, ये अच्छा लग रहा है, ये मैंने लिया था अपना डेनिम का कुर्ता, सिंपल है। हाँ ये अच्छा लगेगा, ये वाइट ट्राउजर पर डालूंगी मैं इसको। हाँ। अच्छा लगेगा ना वाइट ट्राउजर पर। हाँ ये फबी ने बॉल बॉटम ली थी अपनी, बेल बॉटम, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये है मेरी टॉप, ये बुशर लाई है अपनी टॉप व्हाइट कलर की, अच्छा लग रहा है इसका जो कलर भी, तो ये ना ये अच्छे लग रहे हैं। ये पॉलिथीन में डाले डाले कैसे सूखड़ गए, वहां पर तो इतने अच्छे से लगे हुए थे, बहुत सारा सामान लाए थे और बैग में ठूस ठूस के भरना पड़ा ना सारे सूखड़ गए, कोई बड़ा कैरी बैग लेके नहीं गए थे, नॉर्मल बैग लेके गए थे, प्लास्टिक है ना। हाँ प्लास्टिक है, चलो रखो जल्दी से और दूसरा दिखाओ और क्या है। यार बहुत सारे पैसे खर्च हो गए और ईद का कुछ भी नहीं आया, कुछ भी, मैं सोच के तो ये गई थी कि ईद की शॉपिंग हो जाएगी। हाँ तो अगले दिन पहन सकते हो ना, ईद ये आजकल बहुत चल रही है स्ट्रीट में। उसको अच्छी लगी थी, मैंने कहा चलो एक वाइट तुम भी ले लो, ये इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रही है इसके ऊपर है, बिल्कुल व्हाइट कलर के, हाँ व्हाइट है, मैंने कहा चलो
सब ले रहे हैं, एक खुशी को भी दिला दूं वाइट, ये भी जीन्स पर अच्छी लगेगी। अब पिलाई है ना उसकी बेल बॉटम। हाँ बेल बॉटम नहीं है वो, स्ट्रेट है। ये फबी अप्पे का है, ये डेनिम का कुर्ता। अच्छा ये फबी, हाँ ये फबी का है। सारे कितनी बुरी हालत हो गई इनकी, सुकड़ सुकड़ के बिल्कुल सुकड़ गए जैसे तो बुरे लग रहे हैं। ये बैग में ठूसे रखे हैं ना सारे तो, और फिर पॉलिथीन भी इनकी ऐसी बंधी हुई है उल्टी सी। चलो कोई ना, कोई बात कोई नहीं, ट्रेस हो जाएगी। ये लखनवी कुर्ता है, ये फबी अप्पे लाएंगे। लखनवी कुर्ता है, शॉर्ट है ये, जीन्स के ऊपर के लिए लिया था उसने। ये सब जीन्स के ऊपर पहनने के जैसे। हाँ जीन्स के ऊपर के लिए। हाँ एक ये पैंट ली थी, स्ट्रेट पैंट बहुत सारे ले ली तुमने वहाँ से। अच्छा अच्छी मिल रही थी वहाँ पर, अच्छी मिल रही नहीं चल अच्छी है। ये अभी सॉफ्ट है, फैशन इनका इन है बहुत ज्यादा, और अभी ये अच्छी भी मिल रही थी वहाँ पर बहुत ज्यादा। बुशरा के ये कपड़े, बुशरा ने रमजान के लिए लिए पहनने के लिए, कॉर्ड सेट है, कॉर्ड सेट लिए हैं बुशरा ने, कलर भी अच्छा लग रहा है। ये वाले प्रिंट चल रहा है। हाँ उसको कुर्ता दिखाओ, ये है कुर्ता, इसका नीचे का वो ट्राउजर रहेगा। हाँ ये पूरा कॉर्ड सेट है। ये खुशी वाली है, ये खुशी की स्ट्रेट है, स्ट्रेट जीन्स खुशी की है, स्ट्रेचेबल है। हाँ ये है, स्ट्रेचेबल है ना, स्ट्रेचेबल है। क्वालिटी बहुत अच्छी मिली है वहाँ पर, वैसे जीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। नहीं है कि बहुत कैड़ी है, पहनी नहीं कैड़ी नहीं था, हम समर में पहने। बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट भी बहुत है, और क्वालिटी भी स्ट्रेचेबल भी बहुत है, प्यारी लगेगी है ना पहन के, अच्छी लगेगी। ये फबी, हाँ ये फबी का है, ये सिंपल टॉप है, ये वाइट टॉप इन्होंने सबने लिए थे, खुशी ने, बुशरा ने, फबी ने, ये वाइट टॉप बहुत प्यारे लगे थे। इसके वाइट टॉप थे भी बड़े प्यारे प्यारे, वाइट टॉप है बस इसके चिकन इसके ये रहा, इसके स्लीव्स पर यहाँ पर चिकन वर्क है दोनों। मैंने अपना वो डेनिम का जो कुर्ता लिया है ना उसके ऊपर मैंने ये वाला स्टॉल लिया है वाइट कलर का, बहुत ही सॉफ्ट है। नहीं पूरा मत खोलो, बहुत सॉफ्ट है सच में। ये रहा, ये मैंने सिलमपुर से लिया था, सिलमपुर ये वहाँ नहीं मिला था, सरोजनी नगर में ही सिलमपुर में मिला था ये मेरा कुर्ता। ये मेरे, मैं अपने लिए लाई थी ये शर्ट, जीन्स के ऊपर ही डालने के लिए, लॉन्ग में वैसे ये शर्ट, ये मैंने ली थी अपने लिए। पैंट ये मेरी स्ट्रेट पैंट है, लेकिन ये ऊपर से लोअर टाइप का है, ऐसा नहीं है जैसे पैंट होती है ना, जीन्स होती है ऊपर से, इस तरीके का नहीं है। मुझे इसमें ही कम्फर्टेबल रहता है, इसकी पॉकेट भी बड़ी है। हाँ ये रहा, मुझे है ना ये जो होते हैं ना इलास्टिक वाले ऊपर से, मुझे इसमें ही कम्फर्ट रहता है। और इसकी ये पॉकेट है, ये इसके ऊपर शर्ट ली है मैंने, लॉन्ग है ये काफी है ना, और ये काफी लूज है मुझे ना, तो मैंने ये लिया, मुझे इसमें कंफर्टेबल रहता। और बस और कुछ रह गया, ये बुशरा का एक और कॉर्ड सेट, रेयन के हैं ये, वो भी रहे होने, ये भी। बस अब सब कुछ दिखा दिया है फिलहाल जितनी भी शॉपिंग करी है, लेकिन ईद के मतलब का कुछ भी नहीं आया इसमें। और अभी मुझे आया तो रिनाए की मेहंदी भी लगानी है, वो मेहंदी के लिए जिद कर रही है, तुम्हें लगानी है? मैं तो देखूंगी पेपर वगैरह के बाद, क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं होती है ना मेहंदी वगैरह। तुम्हारे नहीं लगेगी? वो देख लेंगे पेपर के बाद, 13 तारीख को पता चल जाएगा। मतलब ईद पे लगाना फिर है ना, इनके एग्जाम चल रहे हैं तो ये नहीं लगाएंगी मेहंदी। खुशी का बोर्ड है 10th का, तो उसको भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर आयत इनाया ना वो जिद कर रही है बाहर बच्चों को देख के कि मेहंदी लगवानी है मम्मा, चांद बनवाना है, सितारे बनवाना है तो इनके चलो वो लगा दूंगी, पहले सारा सामान दिखा दूँ, तो बस अब मैं उनको मेहंदी लगाऊंगी। तो ये जो शॉपिंग है हमने कल की थी, और रात को आए थे हम करके, तो इतने ज़्यादा थक गए थे हम इस शॉपिंग को करके कि रात बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था इसको दिखाने का। तो मैंने सोचा मैं चलो बुशरा आप दिखा देते हैं, तो बुशरा ने आपको सारी शॉपिंग दिखा दी है। अब जो है मगरिब का टाइम होने वाला है, अब नमाज पढ़ेंगे, दुआएं वगैरह पढ़ेंगे, और रमज़ान का चांद तो आज 100% दिख ही जाएगा, क्योंकि आज सऊदी में रोज़ा हो गया है, भाभी भैया मेरे उमरा करने गए हैं तो उनका आज रोज़ा है, तो यहाँ पर पक्का है कि कल का रोज़ा है। अम्मा
ऐलान हो गया है ना। अच्छा, रमज़ान का चांद देखने के बाद हमने काफ़ी दुआएं वगैरह पढ़ी थी, उसके बाद आए थे नाया ज़िद करने लगी थी, उन्हें हाथ पर मेहंदी लगवानी थी, चांद और सितारे बनवाने थे। तो मुझे कोई ख़ास मेहंदी लगानी नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैंने आए थे नाया के हाथ पर लगवा दी, हल्की हल्की सी लगाई थी, लेकिन बहुत खुश हो रही थी कि हाँ हमारे हाथ पर चांद सितारे बन गए हैं। और उसके बाद जो है आयत की मेहंदी लगाई थी, क्योंकि आयत पहले पढ़ रही थी, इसका कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ाने बिठा दिया था, पहले इनाए के लगाई थी। अच्छा लग रहा है? हाँ, सही से दिखा दो, सही से दिखाओ, मुझे आती है बस, सच्ची नहीं आती। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। अब क्या करना है, सोना है, सुबह एग्ज़ाम देने जाना है ना। ठीक है, सुबह एग्जाम देने जाना है, चलो बाय कर दो। और उसके बाद जो है मैंने भी एक हाथ पर हल्की सी लगा ली थी। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।